शादी है, असेंबली किसकी है? ये असेंबली है भाई मेरे सुजुकी कल्टस के लिए मंगाई हमने, सुजुकी की है। इसे कहते हैं ईपीएस स्टीयरिंग जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इसको हम इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कर रहे हैं। तो लिहाजा अब उसकी जाहिर है फिटिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इस वजह से इसकी ये हम पुरानी असेंबली के हिसाब से, जो ये पुरानी असेंबली है इसके हिसाब से यहाँ जो फिटिंग होती है हम उसको यहाँ सेट करेंगे, ताकि ये हमारी असेंबली बहुत आसानी से फिट हो जाए। ये हमने निशान लगाया है इसके ऊपर, तो ये पुरानी जो किया की पट्टियाँ ये हमारे काम में नहीं आनी, तो हमें काम में लेनी है इसी सुजुकी कल्टस की अपनी असेंबली की पट्टियाँ जो सादा है, तो वो हम इसके ऊपर असेंबल करेंगे। अभी आप बताएंगे क्या चल रहा है? जी जी, ये अभी हमने इसे काटे हैं दोनों पीस, और ये पुरानी असेंबली के पीस हैं ये जो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो बड़ा आसान सा काम है ये, हम इसके साथ इसको ज्वाइंट कराएंगे। तो लिहाजा पहले हम इसको यहाँ पे इस तरह लगाएंगे काट के, ये हमने दोनों पट्टियाँ उसमें से पुराने वाले में से काट के यहाँ फिट किए हैं। देखें ये यहाँ पे बिल्कुल मैच हो गया है। अब हम इसके साथ इसको यहाँ पे फिट कराएंगे, ये असेंबली की फिटिंग ऊपर से हमारी पूरी हो जाएगी। लिहाजा पीछे का मसला है, पीछे एक हम रैकेट बनाएंगे छोटा सा, वो भी बड़ा आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। हम इसको अभी मज़ीद आगे लेके चलते हैं। और इसकी प्राइसिंग, और प्राइसिंग के हिसाब से ये है कि ये नॉर्मली जो है 18 से लेके 22,000 तक की ये असेंबली मिलती है, चाहे आप इसमें किया की ले लें, की ले लें, या फिर आप सुजुकी अल्टो जैपनीज की ले लें, तो वो बेहतर है, दोनों ही इसमें फिट हो जाती हैं। तरीके का यही है दोनों का फिट होगा। तो ये 18 से 22,000 तक, ये सुजुकी की है, जैपनीज की आती है ये, उसके ये इलेक्ट्रिक पावर स्टील है। लिहाजा इसको यहाँ, इसके साथ हमने एक ये पीस देखे, इसके साथ बिल्कुल इसको वेल्ड कर दिया है, एक हमारा बन गया। इस साइड का भी हम दूसरा लगाएंगे, ये असेंबली हमारी सीधी फिट हो जाएगी। रैकेट हमारा तैयार हो गया है, जो हमने उसको कभी काटा था पुराने वाले का, हमने इसके साथ इसको अटैच कर दिया है। अभी हम इसको फिट करेंगे, थोड़ा ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे फिटिंग में लाएंगे। ये हमारा ब्रैकेट फिट हो गए,
इसे देखते हैं फिट करके क्या जाता है। Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions. Shut your lid. ये असेंबली बैठ गई है हमारी। अब इसको थोड़ा टाइट करते हैं। जिग चेक करते हैं इसको आगे का सामान लगा के। ये भी हमने फिट कर दी है। चेकिंग लॉक। अब इस ब्रैकेट बनाने के बाद अब हम अपने कवर शवर फिट करके चेक करते हैं कहीं हमें आगे पीछे तो नहीं करना थोड़ा बहुत। अब हम इसको यहाँ पे असेंबली को फिट करके देखते हैं हमें कहीं आगे पीछे तो नहीं करना, कुछ काम लंबा तो नहीं करना। इग्निशन स्विच हमने इसका ओरिजिनली इग्निशन स्विच थोड़ा सा फाइल करना पड़ा है हमें यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए इसी पाइप के ऊपर इसके अपने की के पाइप के ऊपर इसी असेंबली का स्विच हमने ये और फिटिंग की। स्टेयरिंग का इग्निशन का इसका स्विच है ये हम इसको यहाँ फिट कर रहे हैं। इसे हमें चेक करना है कि स्टेयरिंग हमारा लॉक होता है कि नहीं होता। तो थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा टाइट करके देख लेते हैं। इग्निशन ऑन किया ये स्टीयरिंग घूमना शुरू हो गया है। अब ये शायद निकाली ये हमारा स्टीयरिंग लॉक तो लिहाजा ये हमारा जो इग्निशन स्विच है यही हमने इस पर सेट किया और ये वर्क कर रहा है प्रॉपर। ये स्टीयरिंग लॉक हो चुका है। अब हम इसकी ऊपर की असेंबली रख के देखते हैं कोई कवर वगैरह में तो फर्क नहीं आ रहा। ये हमारी और जगह पे आई है। अब इसके कवर लगा के स्टीयरिंग लगा के देखते हैं फिर मजीद जो है नीचे स्टीयरिंग के क्रॉस की सेटिंग है वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये सही है ये स्टीयरिंग लॉक ओपन ये स्टीयरिंग लॉक ये हमारी असेंबली अब यहाँ फिट हो चुकी है। सब एक हम पीछे की एक फिटिंग के लिए एक आखिरी है कि ये छोटी सी ब्रैकेट है जिसको खाली ये मजबूत है लेकिन फिर भी एक अदर सपोर्ट हम पीछे से देंगे फिटिंग में ताकि ये अंदर की तरफ लगाएंगे। इसे हम लगाएंगे इसको इस बोल्ट के साथ और ऊपर तो ये फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ कहाँ लगेगी। ये हमारी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी बारी है आखिरी स्टेज यही है कि इसके हमें अभी क्रॉस सेट करना है। ये हमारी कल्टस का इस गाड़ी का अपना क्रॉस है स्टीयरिंग का जो स्टीयरिंग रैक पे लगेगा। ये जो क्रॉस है ये हमारा इस की के स्टीयरिंग का है जो हम ये इलेक्ट्रिक पावर कर रहे हैं ये इसका क्रॉस है। अब ये नीचे हमारा टाइट हो जाएगा ये हमारा स्टीयरिंग में टाइट हो जाएगा। अब इसमें बीच में गैप आ रहा है तकरीबन ये गैप आ रहा है तो इसके लिए हम ये मिलिंग हम यहाँ सेटिंग करेंगे और इस रॉड को हम इसके साथ अटैच करा देंगे ताकि ये बीच का जो कनेक्टर है ये भी हमारा पूरा हो जाए। ऊपर की का क्रॉस है नीचे हमारा कल्टस का क्रॉस है। बीच की ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है ये मिलिंग साथ लेंगे क्रॉस के और ये इसके ऊपर हम इस तरह इसको एडजस्ट कराएंगे। अभी हम इसको जब काट के एडजस्ट करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कम्प्लीट हुई भी कैसी है। यूजर भाई क्या कर रहे हैं आप इसमें? अभी हम लोगों ने इसको सादा की है इसको ईपीएस करा है ईपीएस जो है मैकेनिकल फिटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है बाकी इसमें अभी इलेक्ट्रिकल काम चल रहा है। इलेक्ट्रिकल काम में इसका ये है कि इसकी मैं पिनआउट आपको बता देता हूँ। तो ये अपना ये ब्लैक और रेड वायर जो है इसकी ये डायरेक्ट करंट पर लगती है 40 एम्पीयर के फ्यूज़ के साथ बाकी ब्लैक वायर जो है इसका ग्राउंड होता है
और ये तीन वायर चार वायर ये हैं, ये जो ब्लैक पे है वाइट वायर है ये इसका स्विच का करंट है, बाकी ये अपना पिंक वायर है ये इसका स्पीड मीटर पे लगता है, उसके बाद ये ब्राउन वायर है, ब्राउन वायर जो इसकी आरपीएम पे लगती है, और इसके बाद पिंक पे वाइट वायर जो है ये होती है अपना इसकी मीटर की जो इंडिकेशन होती है ईपीएस की, वो ये जो इंडिकेशन है। हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, हम अपना सारा कंप्लीट पावर जीपीएस को हम कंप्लीट सारा कर चुके हैं जो के दिखाया भी आपको हमने, तो अब इसको स्टार्ट करने लगे, देखते हैं इंशाल्लाह अभी क्या इसकी प्रोग्रेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का भी काम छोटा मोटा रह गया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पावर हमारा ऑन हो चुका है, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक जीपीएस है। गाड़ी ऑफ करें, गाड़ी हमारी बंद हो चुकी है, स्टीयरिंग हमारा भारी हो गया है, बहुत हार्ड हो गया है, अब स्टार्ट करें ज़ैर भाई। गाड़ी स्टार्ट हुई है और ये पावर ऑन हो गया। ज़ैर भाई आपका कितना ओवर बाकी है? बाकी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मेरी कार्ड की फिटिंग ले गई है, कार्ड की फिटिंग करनी है, बाकी जो मेरा कार्ड उसका इसके जो ओरिजिनल जगह पे लगाया है जहाँ स्टीयरिंग के साथ असेंबली के साथ आता है उस जगह पे इसका कार्ड लगा हुआ है। थोड़ी सी वायरिंग की एडजस्टमेंट बाकी है स्टार्टिंग की, बस वो है, बाकी गाड़ी ये फाइनल हो चुकी है, जीपीएस ऑन हो गया है इस गाड़ी का। अस्सलाम वालेकुम, जो सुजुकी कल्टस 2003 का जो हमारा रीसेंट प्रोजेक्ट है वो माशाल्लाह कैबिन फाइनलाइजेशन और मैकेनिकल फाइनलाइजेशन से तो हम पहले ही कंप्लीट हो चुके थे, कैबिन फ्लोर हमारा कंप्लीट पेंट हो गया, रस्ट रिपेयर हो गया था इसका सारा, एंटी रस्ट हो गया उसके ऊपर, हम फर्दर ऑन मूव करते हुए हमने मैकेनिकल काम भी सारा कंप्लीट कर लिया। अभी जो आपने पीछे देखा वाज थरो इंस्टॉलेशन ऑफ द ईपीएस की इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस, उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर एवरेज आउट आप कर सकते हैं कि 25,000 रुपये इज़ अ सेफ फिगर जो आप लुक फॉरवर्ड करें सुजुकी कल्टस में अच्छे ईपीएस इंस्टॉलेशन पे। जुगाड़ें और बड़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप जुगाड़ों से पाक ट्रू फैब्रिकेशन करवाना चाहें और अगर आप ट्रू एसेंस में मॉडिफिकेशन को लेके चलना चाहें, ऐसी मॉडिफिकेशन जिसके इस बाद आप ट्रबल ना फेस करें, तो एक रफ फिगर 25,000 रुपये ईपीएस कन्वर्जन इज़ अ सेफ बेट। साथ कामरान ने आप लोगों को जो गाइड किया था उसके ऊपर, ये सुजुकी की असेंबली है, एवरेज प्राइसिंग इसकी 18,000 से 22,000 अप टू 25,000 रुपये है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वेरी करती है, हमारी आजकल की जो इन टुडेज़ करंट मार्केट जो हमारी इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो 10,000 रुपये हैं सुजुकी कल्टस के ऊपर। इसके अलावा अब अभी उज़ैर करेगा आपको गाइड के उज़ैर के फाइनल कनेक्शंस के आते हैं, क्योंकि ईपीएस के अंदर एक क्रूशियल एलिमेंट होता है वीएसएस का, जो कि है व्हीकल स्पीड सेंसिंग का, क्योंकि अगर व्हीकल स्पीड सेंसिंग इसके अंदर अवेलेबल ना हो तो ये EPS एक शदीद जहमत में तब्दील हो सकता है, जो कि एक सेवेयर ड्राइविंग हैज़र्ड की भी कंडीशन है। उज़ैर फाइनलाइज करो, बताओ कि क्या क्या कनेक्शंस थे, क्या क्या पोजीशंस थी। कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले वायर जो है ना, ये कलर कोड जो इसमें है सुजुकी की तमाम गाड़ियों में यही कलर कोड होते हैं, बाकी ये ब्लैक पे जो है वाइट वायर है ये इसका इग्निशन स्विच होता है, इग्निशन स्विच है इसका, और ये मीटर के ऊपर जो है, ये मीटर पे जो है ये फर्स्ट ग्रिप पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसी से जो है इग्निशन स्विच देते हैं इसको, ठीक है। बाकी जो है इसका एक ये पिंक वायर है, पिंक वायर जो है इसका ये VSS का वायर होता है, VSS का वायर जो है इसमें मीटर पे जो है ये वाला येलो पे ग्रीन वायर है ये जो है, ये VSS का वायर होता है इसका। बाकी जो है RPM का वायर है इसका एक ब्राउन, RPM का वायर जो है इसका RPM का इस दूसरे ग्रिप में होता है, बड़े ग्रिप में ये ब्राउन वायर है। बाकी जो इसका एक ये वायर है सिंगल, ये इसकी इंडिकेशन का होता है, मीटर पे जाता है ये भी, इसमें इंडिकेशन है नहीं मीटर पे। बाकी जो एक ये इसका 40 एम्पीयर का फ्यूज़ लगता है, ये डायरेक्ट बैटरी का करंट है, डायरेक्ट बैटरी है। उसके बाद एक ये ग्राउंड वायर है, ये बॉडी ग्राउंड होता है वायर, इसके यही कनेक्शन है।
और विद दिस हमारी ईपीएस इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गई है। ईपीएस हमने स्टार्ट करके टेस्ट कर लिया है और अब हम आपको मज़ीद अपडेट अभी हम इसकी डिस्कस करेंगे जब हम इसको टेस्ट ड्राइव करेंगे। टेस्ट ड्राइव पे आपको लेके चलते हैं जल्द। ईपीएस टेस्ट करने के लिए हाई स्पीड लो स्पीड दोनों टेस्ट कंप्लीट करके फिर आपको उसके ऊपर अपडेट करते हैं। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।